एलिगेंस क्लिनिक के यूट्यूब चैनल डॉक्टर आशुतोष से आपका स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है नॉन हीलिंग लेग वुंड्स। दोस्तों, काफी सारे लोगों को आप देखते हैं कि जिनके पैरों में घुटी के ऊपर छोटे छोटे अल्सर्स रहते हैं, वो कभी भी हील नहीं होते हैं, माने मिटते नहीं है। वो कितना भी ड्रेसिंग करवा ले, कितना भी प्रोसीजर करवा ले, बहुत सारे लंबे समय तक वो कुछ ना कुछ केयर करते रहते हैं, फिर भी वो कभी हील नहीं होते, माने कभी अच्छे नहीं होते। तो वैसे अल्सर्स को नॉन हीलिंग अल्सर्स बोला जाता है, और ज्यादातर ये वेरिकोज वेन्स, माने जो पैर में अपनी खून की नलियां हैं, जो खून ले जाने वाली नलियां हैं, वो बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से गंदा का गंदा खून नीचे आने की वजह से आपका वो पार्ट घाव मिटता नहीं है। इसके अलावा वास्कुलाइटिस करके एक एंटिटी आती है, जिसमें आपके पैर की जो रिपेयर प्रक्रिया है वो कुछ डिजीज की वजह से बिगड़ जाती है और वो रिपेयर नहीं हो पाते हैं। काफी सारे बार बहुत सारे हाइपरटेंसिव लोगों में या बहुत सारे मोटे लोगों में खून की सप्लाई के कारण, कम होने के कारण भी नॉन हीलिंग अल्सर हो सकते हैं। काफी बार आपकी ब्लड वेसल्स माने धमनियां, वो हैं जो अगर कम पड़ रही हैं, जैसे कि उनका फ्लो कम हो गया है, अंदर कोलेस्ट्रॉल जम गया है या वो ब्लॉक्स हो गई हैं, तो गैंग्रीन डेवलप ना होते हुए ऐसे नॉन हीलिंग अल्सर्स डेवलप होते हैं, जिसमें आपका घाव में जितनी ब्लड सप्लाई चाहिए वो नहीं मिलती और घाव मिटा नहीं। तो नॉन हीलिंग अल्सर्स के काफी सारे रीजंस होते हैं, जो ज्यादातर प्लास्टिक सर्जन्स आपको फाइंड आउट करके देते हैं। अगर वेस्कुलाइटिस है तो उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है, वेरिकोज वेन हो तो उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो जो भी आपकी ट्रीटमेंट है वो प्लास्टिक सर्जन्स आपको करके दे सकते हैं, उसमें कभी जरूरत पड़े तो वो वेस्कुलर सर्जन का भी ओपिनियन ले सकते हैं। लेकिन अल्सर है तो उसको मिटाने के लिए कौन सा ड्रेसिंग मटेरियल यूज करना चाहिए, किस तरह से ड्रेसिंग करनी चाहिए, कब उनको साफ सफाई करनी चाहिए, कब उसके ऊपर पतली चमड़ी लगेगी, कब उसके ऊपर मोटी चमड़ी लगेगी, ये सब डिसीजंस जो होते हैं वो प्लास्टिक सर्जन्स लेते हैं। वो आपको नई नई मेथड से प्लास्टिक सर्जरी की ड्रेसिंग्स की अलग अलग सॉल्यूशंस से और अलग अलग टाइप की सर्जरी करके आपका अल्सर्स वो मिटा सकते हैं। इसके अलावा डायबिटिक फुट में भी काफ़ी सारी बार डायबिटीज की वजह से अल्सर्स नहीं मिटते हैं, क्योंकि आपकी पैर की एनेटॉमी बदल जाती है। तो वैसे में जब हम प्लास्टिक सर्जन्स होते हैं, वो आपकी पैर की जो डायबिटीज की वजह से एनेटॉमी बिगड़ी हुई है, माने जो पैर की बनावट या बंधारण बिगड़ गया है, उसको भी ठीक कर सकते हैं। तो कोई भी टाइप का नॉन हीलिंग अल्सर है तो आपको प्लास्टिक सर्जन्स की मदद लेनी चाहिए। यहाँ पे मैं डॉक्टर आशुतोष का काफी सारे सालों से ऐसे नॉन हीलिंग अल्सर्स की ट्रीटमेंट करता हूँ। आपको अगर इसके बारे में कोई इंक्वायरी है तो हमारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स ये वीडियो के एंड में है, उसके ऊपर आप हमें सुबह 8 से लेकर शाम के 8 के बीच कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और आपने आपका अमूल्य समय निकाल के वीडियो देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।